बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रब्बुल जलाल के फजल और करम के साथ नईम खालिद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मेरी पिछली वीडियो से मालूम पड़ गया होगा कि हम आए हैं चढ़ते सूरज की सरजमीन नारवाल के खूबसूरत कस्बे दरमान में। तो दरमान में राशिद भाई के पास आए हैं, जिस काम आए थे वो काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी वक्त बचा है। तो राशिद भाई ने फैसला किया कि मैं आपको दरमान की हिस्टोरिकल प्लेसेस और दरमान के कुछ ऐसे मकाम उनकी विज़िट कराता हूं। तो आइए चलते हैं राशिद भाई के साथ जम्मू हाउस में। बड़ा ही मशहूर मकाम है दरमान का, जो भी कोई दरमान में आता है वो जम्मू हाउस में ज़रूर जाता है। तो चलते हैं जम्मू हाउस और जाकर विज़िट करते हैं जम्मू हाउस का। तो फाइनली जम्मू हाउस के दो रोड साइन यानी रोड साइन बोर्ड लगे हुए हैं वो नज़र आ गए हैं। तो इनका मतलब ये है कि हम अब जम्मू हाउस की सरजमीन में दाखिल हो चुके हैं। तो इन जम्मू हाउस के बोर्ड्स को देखकर बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ जाकर एक बुरी खबर हमारा वेट कर रही होगी। हालांकि आजकल के दिनों में हरियाली कम मिलती है क्योंकि फसल काट लिए जा चुके हैं और खुश्की के दिन हैं, लेकिन फिर भी जम्मू हाउस के जो रास्ते थे बड़ी हरियाली भरे और दोनों साइडों पर हरियाली मौजूद थी और बड़ा ही हरा भरा सीन था। इसलिए दिल नहीं किया कि इन रास्तों की वीडियो ना बनाऊं और छोड़ दूँ। और फाइनली हम पहुँचे जम्मू हाउस के पास। तो यहाँ पहुँचे तो ये बुरी खबर कि कोरोना वायरस की वजह से पार्क बंद है, ये हमारा इंतज़ार कर रही थी। खैर, इतनी दूर से आए थे तो दिल थोड़ा सा उदास हुआ। और हमारे साथ जो हमारे मेज़बान थे राशिद भाई ने पूरी कोशिश की कि कहीं से राबता करके, इतनी दूर से मेहमान आए हैं तो इनको चलो दिखा दिया जाए और ये अपने व्यूवर्स के लिए वीडियोस बना लें। तो राशिद भाई ने पूरी कोशिश की और बिलाखिर दो शर्तों पर हमें अंदर जाने की इजाज़त मिली। और वो शर्तें ये थी कि एक तो हल्ला गुल्ला नहीं करना, शोर शराबा नहीं करना, और दूसरा पूरी SOPs के मुताबिक जो हुकूमत ने बताई हैं कोरोना वायरस के बचने की, तो उन SOPs के मुताबिक रहना है अंदर। गैर फाल होने की वजह से जम्मू हाउस का स्विमिंग पूल भी सूख चुका है और काफ़ी गंदा है, इसके अंदर ग्रास कटिंग वगैरह। और फिलहाल मेरे ख्याल में लॉकडाउन की वजह से उतनी देखभाल नहीं हो रही, क्योंकि स्विमिंग पूल भी यहाँ का सूखा हुआ था, उसमें पानी भी नहीं। और कल ये जवान बाकी सर जी जोड़ीदार कितने गए, बाकी कितने ऑर्डर बुकिंग नहीं देंगे। तो पिछले पिंजरे में हमने देखा बंदर को, जो कि अकेला ही पारों के देवदास की तरह बैठा हुआ था। और इस पिंजरे में माशाल्लाह काफ़ी नस्ली बतखें मौजूद हैं, डक्की भाई की बतखें, और यहाँ पर हैं ऑस्ट्रेलियन तोते, पैरट्स, ऑस्ट्रेलियन तोते। मोर ने तीतर ने ओ तितर है, तितर ओ ओ अंदर तितर खरगोश की। ये कौन सी नस्ल है, बड़े अच्छी नस्ल के खरगोश हैं। माशाल्लाह जम्मू हाउस लग्जरी फार्म हाउस है और इसका बड़ा अच्छा व्यू, और यहाँ पर जानवर तरह तरह के नस्ली जानवर रखे हुए हैं। शेर साहब बैठे हुए हैं, वही रोब जंगल के बादशाह वाला इसके चेहरे पर मौजूद है। एक खूबसूरत ट्रैक जिसके दोनों साइडों पर पौधे लगे हुए हैं और उसके साथ ग्रीन प्लाट बने हुए हैं, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं हर किस्म के जो पहाड़ी इलाकों में होते हैं। तो ऐसी जगह देखकर हल्ला गुल्ला करने का और मस्ती करने का दिल करता है, लेकिन यह है कि हमें शर्त रखी गई है कि यहाँ पर शोर शराबा नहीं करना
और हल्ला गुल्ला नहीं करना, तो इस डर से कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो फिर नुकसान होगा, खाली हाथ आने से बेहतर है कि ये शर्त मान ली जाए। तो हम खामोशी से अंदर आ गए और यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। हमारे इलाके का ये इकलौता बड़ा पार्क है जहाँ पर जानवर भी मौजूद हैं और चिड़ियाघर टाइप ये पार्क है, और यहाँ पर इस इलाके से सारे इलाके से आवाम आई होती है। तो आजकल लॉकडाउन की वजह से इसे बंद रखा गया है, ईद पर भी नहीं खोला गया था मेरे ख्याल में, और मेंटेनेंस भी उस तरह की नहीं हो पा रही जिस तरह की पहले होती थी। शेर खान गुस्से से बैठा, एक अच्छा तफरी का मकाम बनाया गया है लोगों के लिए, फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बंद है सारा कुछ। तो यहाँ पर ग्रीनरी भी बड़ी अच्छी है और रास्ते बने हुए हैं वॉक शॉक के लिए और रनिंग के लिए भी ट्रैक बने हुए हैं, तो एक बड़ा अच्छा समेले पार्क। इसमें फुहारे भी बने हुए हैं, फुहारे भी फिलहाल बंद है, तो मज़ीद इसका विज़िट करते हैं। बच्चा बन गया फिर जम्मू हाउस के इस फार्म हाउस के एक साइड पर, यहाँ पर लीची का बाग लगा हुआ है, यहाँ से लीची जो है बाहर एक्सपोर्ट की जाती है अब्रॉड में, बहुत बड़ा बाग है लीची का। और एक साइड पर लकाठ का बाग है, तो साथ इनका फार्म हाउस बना हुआ है, बहुत बड़ा फार्म हाउस। इस साइड पर लीची तो आपने देखा कि जम्मू हाउस में कितने खूबसूरत जानवर, और एक लग्जरी समय ले वो फार्म हाउस बना हुआ है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है, तो काफ़ी ज़्यादा मालियत से बना हुआ है। तो ये पब्लिक के लिए ओपन है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, विज़िट कर सकता है। आजकल थोड़े से हालात उस तरह के नहीं जिस वजह से ये बंद पड़ा हुआ है, लेकिन यह है कि बड़ा ही अच्छा प्लेस है, बड़ा ही अच्छा देखने के लायक वो हवेली बनी हुई है। तो आपने विज़िट किया मेरे साथ जम्मू हाउस का, आपको कैसा लगा जम्मू हाउस, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग विलेज लाइफ की वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज तक के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक नईम खालिद को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आपके लिए बहुत सी दुआएँ, बहुत सा प्यार, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।